माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद जय भारत। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। बच्चों आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। कहाँ से स्वतंत्र हुआ था, किनकी गुलामी से स्वतंत्र हुआ था? ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। और हमारे भारत के बहुत सारे क्रांतिकारी लोग, और इसके अलावा देखो क्रांतिकारी भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्रांतिकारी वो होता है जिसने सीने पे गोलियां खाई है और उन्होंने क्रांति करी, और दूसरे क्रांतिकारी वो होते हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा से एजुकेशन से क्रांति करी। किससे क्रांति करी है? एजुकेशन यानी शिक्षा से, और लोगों को शिक्षित किया और लोगों तक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करी, जिनको करने में रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसे देश के नागरिक थे जिन्होंने अपना अतुल्य योगदान दिया। क्योंकि भारत देश को स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति की बदौलत नहीं मिली, इसके लिए हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाके भारत देश को स्वतंत्रता मिली। तो इसी को हमारे भारत देश को स्वतंत्र, देखो स्वतंत्र हो रहा हमारे लिए इतना बड़ा नहीं, ये जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं उसका कारण ये है कि हमारे पीछे कितने लोगों का योगदान रहा है, कितनों ने अपना बलिदान दिया है, उनको याद करने के लिए हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं, जो कि भारत का एक पर्व भी है, ठीक है। और राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है इसको, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, तो हर एक प्रत्येक दिन का एक अलग अलग महत्व, ठीक है। तो इसी के साथ ही बेटा आपको सबसे पहले मोहित, तो मोहित की हिंदी में स्पीच है यहाँ पर। आइए मोहित, कक्षा 10 के विद्यार्थी है मोहित, जस्ट क्लैप फॉर हिम। स्टार्ट। नमन है उन वीरों को जिन्होंने देश को बचाया, गुलामों की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान से दिलाया और भारत माँ को आजाद कराया। 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इस दिन देश के आज़ाद होने पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। तभी से प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों की श्रद्धांजलि भी दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री हर साल देशवासियों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं और सेना द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के सभी भारतवासियों मन में देशभक्ति की भावना के साथ साथ खून जोश होता है। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन ये लिए जो हुए थे अस्कर कुर्बान, आज़ादी खुशियाँ मनाकर लो शपथ लिए बनाएंगे देश भारत को और भी मान देने के बाद। आज के दिवस का आगाज किया गया है, इसी के साथ ही एक डांस रहेगा हमारे एक प्रिय छात्र का, ले फोटो, एक मारवाड़ी सॉन्ग है, मारवाड़ी सॉन्ग पर बच्चे का एक डांस रहेगा, नाम है मयंक, यस मयंक बालोटिया, मयंक बाकोलिया द्वारा। I left for two left.
मारवाड़ी सॉन्ग के ऊपर, तो बच्चों के मनोबल के लिए। देखिए यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि स्टेज पर आना बहुत बड़ी बात होती है। आज 5 आदमी के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति ही पूरे विश्व के सामने भारत के एक प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको उठना पड़ेगा, आपको कुछ करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो अगर खड़ा नहीं हो सकता वो हमेशा बैठा रहेगा। देश को स्वतंत्रता ऐसी थोड़ी मिली है, पता नहीं कितने कोई एक चिंगारी जली होगी, उस चिंगारी के बाद में वो चिंगारी प्रस्फुरित हुई और उसके बाद में वो चिंगारी प्रत्येक जनमानस के मन और हृदय के अंदर फैल गई और फैलने के बाद में एक जागृति का भाव आया। नहीं तो आपको पता है 15 अगस्त से पहले, आपको पता होगा सबसे पहले जो राजस्थान में जो क्रांति हुई थी वो 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857 के अंदर, ठीक है, जिसका तिरंगा नसीराबाद के छावनी के अंदर क्रांति चौक नामक एक स्थल है वहां पर लहराया गया, ठीक है। तो वहां पर आगाज हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो इतने बड़े व्यापक रूप में एकत्रित नहीं हो पाए ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी भारत के अंदर, वो धीरे धीरे जाकर प्रस्फुरित हुई और प्रत्येक जनमानस के अंदर एक स्वतंत्रता की लहर जागी और स्वतंत्रता की वो चिंगारी इतनी भयंकर थी कि आज हमारा देश स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं। कहां सांस लेते हैं? हम स्वतंत्र भारत के। और इस स्वतंत्र भारत के अंदर सभी प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार मिला है, अपने कुछ कर्तव्य मिले हैं, सारी चीजें हैं जो उसको हम मिलकर जुलकर हम प्रेम पूर्वक बांटते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी के साथ ही अगली स्पीच रहेगी हमारे इंग्लिश में है नफीसा की, ठीक है, एक कक्षा 11 की छात्रा है, उसके द्वारा यह प्रस्तुति दी जाएगी। यस, क्लैप फॉर हर। थोड़ा सा जरा बस भूख नहीं आया बेचारे। सब अपने करना है। यस, तो नाम प्लस क्लास इंट्रोडक्शन देते हैं। Good morning to all myself, Nafisa from Standard 11. We all know that you are gathered here to celebrate this great national event. I am feeling so proud to be an Indian citizen. First of all, I would like to say thanks to my respected teachers. They have given me an opportunity to share my views in front of you about freedom of India. We all are gathered here to... We all know that Independence Day is an auspicious occasion for all of us. Today we are free because of great Indian leader who struggled hard for many years to get freedom against British rule. Today is a very significant day for all Indians, which we celebrate remembering sacrifice of great Indian leader who had given their lives for the freedom and properties of the country. Freedom of India was possible because of cooperation, sacrifice and involvement of India. Today we take an oath to being responsible and well-educated citizen of tomorrow India. Thank you, everyone. तो नफीसा कक्षा 11 की छात्रा द्वारा एक बहुत सुंदर सी स्पीच दी गई, विच वॉज इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में स्पीच दी थी उन्होंने। अब इसके बाद में एक डांस है प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का, ठीक है, जिसका गाना रहेगा बचपन का प्यार, जो कि आपका एक फेवरेट सॉन्ग भी है सबका। यस, आ जाइए बेटा फटाफट से, आ जाओ फटाफट आ जाइए। You.
मायरा शर्मा मायरा शर्मा यार देखो जिसका भी यार याद आ रहा है बता सर हाँ धीरज भाई किसका भी यार याद आ रहा है कैसे किसका भी यार याद आ रहा है यस एक बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया गया डांस का बचपन का प्यार बहुत वायरल सॉन्ग है आज के समय का ये तो इसी के साथ ही अब कुछ मेरी प्रस्तुति दे देता हूँ आपको हाँ तो सीपी सर का सॉन्ग बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से एक गाना सुना जाएगा आपको ठीक है जितना है उतना सुना देंगे आपको ठीक है राग इतनी है नहीं मेरी सर मेरे को लग रहा है बचपन में प्यार तो नहीं सुना होगा आप हाँ ये नहीं सुधरे बाकी सब दुनिया सुधर जाए ठीक है कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं सुधरे होने भी चाहिए सर हाँ और सुधरना भी नहीं चाहिए ये बात तो सही देखो चंचलता एक बचपन की पहचान जो होती है वो चंचलता होती है वो चंचलता हमेशा बरकरार रहे ठीक है तो माय डियर स्टूडेंट तो फिर अपन एक सॉन्ग सुना रहा हूँ आपको ये मेरे वतन के लोग इंस्ट्रूमेंटल लगा था उसके पीछे इंस्ट्रूमेंटल यस लिसन केयरफुली ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा ये शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा पर मत भूलो तेरे में पड़ी आजादी जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे घर करवा था सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए जब देश में थी दीवार
धन्य जवाब अपने थे जन्म वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जरा याद करो कुर्बानी कोई सिख कोई मजार कोई सिख कोई जाट कोई गोरखा कोई मराठा कोई गोरखा कोई मराठा जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी जो शहीद हुए चिताया फिर भी बंदूक उठाकर दस दस को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवाकर जब अंत समय जब आया क्या लोग थे वो दीवाने क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाना उनको इसलिए कही ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद जय भारत। तो आप सभी के सामने कुछ समय बाद में कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा और कुछ छोटे बच्चों को मैं अपनी प्रस्तुति देंगे तो उनके सामने एक छोटा सा एक्ट किया जाएगा जो कि सेव ट्री के ऊपर है जो एक बहुत अच्छा मैसेज देगा हमारे समाज को हमारे भारत को। ठीक है तो जल्दी से आपको कक्षा 12 के विद्यार्थी प्रेजेंटेशन देने वाले क्लैप फॉर देम।
कुछ नशा है तिरंगे की आन में, कुछ नशा है मातृभूमि की शान में, कुछ नशा है तिरंगे की आन में, कुछ नशा है मातृभूमि की शान में। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। चैन वो अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। चैन वो अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो, इसे शान तिरंगा रहने दो, इसे शान तिरंगा रहने दो। जय हिंद, जय भारत। यस, इसी के साथ क्विज को स्टार्ट किया जा रहा है। या सबसे पहले साइंस की क्विज स्टार्ट की जाएगी, जो कि हर्षवर्धन द्वारा है, और उसके बाद में ऋषभ द्वारा जनरल साइंस मीन्स ये कह सकते हो जनरल जीके या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? What is the full form of DNA? जिसको जवाब पता हो वो अपना हैंड राइज करे। यस, तो तेजस्विनी वापस एक बार थोड़ा जोर से आवाज़ हर्षित हाँ, एक बार जवाब खड़े होकर देंगे सबके सब अपना फेस दिखना चाहिए। या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या गुड। Clap for him. Yeah, next question. Which is the hardest natural substance that found on the earth? Which is the hardest natural substance found on the earth? ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे कठोर है, जो पृथ्वी पर पाया जाता है? Yes. हीरा। हीरा। हीरे को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? Diamond. Diamond. Very good बेटा। Yes. Question number 3. Who is known as the father of science? Who is known as the father of science? Yes, Mohit. Albert Einstein. Albert Einstein. अच्छा, Albert Einstein को भी father of science बोला जाता है, इसके साथ साथ एक वैज्ञानिक और है उनको भी बोला जाता है। Yes, तेजस्विनी। Yes, देखभाल। Galileo. Galileo. Well, yes, very good बेटा। Clap for him. Yes, next question. Which vitamin is important for a healthy eye? Which vitamin is important for healthy eye? Yes. ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्वस्थ आंखों के लिए लाभदायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? विटामिन ए। विटामिन ए, यस, वेरी गुड बेटा। या नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? What is the SI unit of electric current? यानी विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? Yes, आप बताओ। Yes, आप आगे जो आके आगे आके बताओ, आप पर्दे के पीछे छिप रहे हो। Yes, front में आगे वो आगे। Yes, first of all tell your name. दीपिका। Yes. Ampere. Yes, very good बेटा। Yes. Yeah, next question. Which non-metal that enhance liquid at room temperature? Which metal is present at room temperature as a liquid state? यानी द्रव अवस्था में ऐसा कौन सा अधातु है जो पाया जाता है? Yes, which one will go answer? Abhishek. Bromine. Bromine. Bromine is a non-metal और ये room temperature पर liquid state में पाया जाता है। Yes, clap for it. Which is the largest bone in our human body? Which is the largest bone in human body? यानी मानव शरीर के अंदर सबसे कठोर, सबसे बड़ी धातु, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? Yes.
Which one given, sir? Yes. Lakshay. Femur. One second. Femur. Yeah. Very good. Who discovered proton? यानी प्रोटॉन की खोज किसने करी? यस विच वन गिवन सर? यस विच व्हाट इज योर नेम बेटा? धीरज. धीरज कुमावत. गोल्ड स्किन. या वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एसिड इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ एसिड? विच एसिड इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ एसिड. ऐसा कौन सा अम्ल है जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है? यस विच वन गिव द आंसर? यस आम. आम इज नॉट द एसिड बेटा. आम नहीं. यस गुड ट्राई बेटा. चलो देखो बोलना बहुत जरूरी है. यस मोनिशा. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. या वेरी गुड बेटा. क्या बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? What is the value of gravitational constant? Yeah, which one will give the answer? Yes, Monisha. 6.67 into 10 raised to power minus 11 meter square. Very good, brother Shabbat. 6.67 into 10 raised to power minus 11 newton meter square kilogram ki power minus 2. Yes, very good, brother. Yes, इसी के साथ ही अब जनरल नॉलेज के कुछ पूछे जाएंगे जो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड होंगे. यस ऋषभ कुमार. क्लैप फॉर हिम. क्वेश्चन नंबर 1 What is the full form of Dr. B. R. Ambedkar? Dr. B. R. Ambedkar की full form क्या है? Yes. Dr. Bhimrao Ambedkar. या कुछ एक word और है इसके साथ में? Yes. Harshit. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Yes, very good. Who is known as the Iron Man of India? Who is known as the Iron Man of India? Yeah, which one? भाई इसको छोटे बच्चों को जवाब देगा भाई. थोड़ा बच्चों की जीके थोड़ी कमजोर है, बड़े बच्चों की भी अच्छी है. यस लक्ष्य. सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, जिन्हें नो पुरुष कहा जाता है हिंदी में और अंग्रेजी में आयरन मैन कहा जाता है. यस वेरी गुड. क्लैप फॉर हिम. तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए. यस नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year did Mahatma Gandhi lead the Dandi March? Dandi Yatra Gandhi ji ne kab kari? Yes. 1930. जब उन्होंने दांडी यात्रा करी थी. क्या बोले? यस प्रवीण. Published by. When was the national anthem of India first? Published. Publicly sung. यानी जब राष्ट्रगान को सबसे पहले कब लोगों के सामने गाया गया था? Yes, which one given answer? Yes. 1911. क्या नाम बेटा आपका? भुवनेश्वर. या 1911. Yes, clap for him. या next question बेटा. Who is the author of book The Indian Struggle? Who written the book The Indian Struggle? The India Struggle. Yes. This one Mohit. Subhash Chandra Bose. Yeah. Yes. Very good, brother. Yes. Who was the first Governor General of India after independence? Who is the? One second, repeat. Who was the first Governor General of India after independence? स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहला भारतीय गवर्नर कौन था? Yes, which one will give the answer? Options. Yes, options. C. Rajaji Gopal Achari, Lord Mount Batten, Jawaharlal Nehru. Yes. Yes. Jawaharlal Nehru. No, he was not. Yes, anyone? Abhishek.
लॉर्ड माउंटबेटन है ना, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, या वेरी गुड बेटा। इला पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। छोटे बच्चों में यस, आपका नाम? हाँ मनीष, खड़े हो बेटा जवाब दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द टाइटल द फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी, हु गिव द टाइटल द फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल किन्होंने दिया। यस तेजस्विनी, यस सुभाष चंद्र बोस, या वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट फॉर अस, या बट नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डिजाइन का प्रेजेंट इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी भारतीय जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसका डिजाइन किन्होंने दिया था। यस ऑप्शन, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, व्हिच वन? या पिंगली वेंकैया, उन्होंने भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगे का निर्माण किया था। वेरी गुड बेटा। या नेक्स्ट, ओके यस, या सभी बच्चों के लिए क्लैपिंग बेटा। या अच्छा हो लो बेटा, सर के द्वारा दिया गया उपहार। सर ओ सर, सर एक बार फोटो जावा। बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसमें जिन्होंने किसी भी प्रोग्राम पार्टिसिपेट नहीं किया है। सबने किया है, समीर ने पार्टिसिपेट किया, वो ऐसे कैमरामैन भी किया है, उसके लिए भी तालियों में सबके लिए तालियां। हेलो बेटा, ये आप पकड़िए, तीन अब दे, तीन अब दे, यस या फिर ये बेटा मैं थोड़ी मैं तो बोल रहा हूँ, लोगों बिल्कुल बिल्कुल सबको मिलेगा, आपको भी देंगे, आपको वो चीज देंगे जो आप यूज नहीं करते हो, पेंसिल, रबड़ पेंसिल, शॉर्पनर, तो बचाएगा नहीं, स्लेट स्लेट स्लेट, क्योंकि आपके पास ये नहीं रहता मोस्टली, इसके पेंसिल शॉर्पनर। यस आवाज मोस्टली आपके पास कभी कभार नहीं रहते, सर ये गम किसके लिए ले? हाँ सर, गम किसके लिए लेके आए आप? गम 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 समीर के लिए, समीर के पास गम नहीं है ना इसलिए। सर मेरे पास, सर जिंदगी में गम नहीं होना चाहिए, समीर के पास मोस्टली नहीं रहते, ये समीर के लिए। थैंक यू सर। हाँ सर काम में लड़ा भैया, पढ़ाई के लिए सामान है, वैसे ही एक ग्रुप फोटो आ जाए, ग्रुप फोटो मिला।